नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोग को दिखाने चल रहा हूँ प्रयागराज में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जो कि प्रयागराज का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का ये ऐसा रेस्टोरेंट है जो कि गंगा नदी में होने जा रहा है और इसको 2024 माघ मेले में शुरू कर दिया जाएगा। तो चलिए आइए आप लोग को बैक कैमरे से दिखाते हैं। तो दोस्तों, सामने आप लोग देख सकते हैं ये नैनी का पुराना ब्रिज है, इसके ऊपर से ट्रेन चलती है और नीचे से गाड़ियाँ। ठीक उसी के पास ये बोट क्लब है, बोट क्लब के आगे आप आएंगे तो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घाट वगैरह भी पक्का किया जा रहा है, ये आसपास के जो है, और ये रैंप वगैरह बनाया जा रहा है। क्यों चचा, घाट वगैरह पक्का होगा? ये घाट वगैरह पक्का होगा? पक्का ही हो रहा है ना, सब ही है। पक्का होगा? अच्छा, ये दोस्तों ये सीढ़ी टाइप का बनाया गया हुआ है जो कि यहाँ पे लगेगा और इसको ही यहाँ पे फिक्स किया जाएगा। आइए यहाँ से देखिए, ये पूरा रेस्टोरेंट है, इसमें पूरे 28 सीट वगैरह रहेंगी। ये देखिए, आप यहाँ पे बोट से भी आ सकते हैं इस रेस्टोरेंट पर। ये आपको लोकेशन बता दूँ तो बोट क्लब है, बोट क्लब के बगल में ही ये रेस्टोरेंट है। देखिए दोस्तों, इसमें एसी वगैरह भी लगाया जाएगा, इस पर लगा हुआ है पर अभी इसका कुछ ऐसे काम नहीं हुआ है। इसके अंदर देख सकते हैं काफ़ी स्पेस है, कई सारे सीट वगैरह इस पर लगाई जाएंगी, 28 वगैरह बताया जा रहा है। और लाइट वगैरह भी देखिए, ऊपर में लाइट वगैरह। काफ़ी बेहतरीन होने वाला है ये रेस्टोरेंट। ये आपके नया यमुना पुल ब्रिज है, उससे पहले आप संगम से बोट से भी आ सकते हैं। और ये सब घाट वगैरह सब पूरा पक्का है, पर यमुना की मिट्टी इस पर जम गई है तो सब सफ़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। ये पूरा पक्का है सब, रेलिंग होगी देख सकते हैं आप लगी हुई है, बस मिट्टी ढक गई है इसमें। ये देखिए, एक बगल में दो बोट है, ये इसके लिए ही शायद होगा, इसी पे से लोग आएंगे संगम वगैरह पे से। और इसको मे भी शायद मुंबई की कंपनी वगैरह शायद है, वो सब इसको मैनेज कर रही है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ये रेस्टोरेंट साल भर में 9 महीना चालू रहेगा, जब बाढ़ आएगी तब ये रेस्टोरेंट बंद कर दिया जाएगा और इसको मुंबई की किसी कोई कंपनी है वो देख रेख कर रही है। और इसकी लागत लगभग 5 करोड़ है। इसमें कई यात्री नाव का भी सवारी कर सकते हैं और बोटिंग वगैरह सब है, रेस्टोरेंट भी है। तो आप आइए, 2024 में ही मे भी शायद माघ मेले में शुरू कर दिया जाए इसको, पूरी कोशिश तो यही है। ये आप लोग लोकेशन देख सकते हैं, बोट क्लब है। ये देखिए दोस्तों, अभी काम चल रहा है,
जो कि इसका सीढ़ी वगैरह लगाने का और यात्रियों को सुविधा के लिए काम चल रहा है सब। ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर सब सामान रखा गया है, सीट वगैरह और बाकी जो है ये सब रखा गया है। ये देखिए सारा सामान इसके अंदर रखा गया है।